हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील सिंह आपका क्विक रिवीजन मास्टर मैं वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट आदि कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया इनके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा बताइए। ऑप्शन क्या है, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है एम के गांधी। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश, मालाबार, बिहार, पंजाब, बताइए इसका उत्तर कौन सही होगा। इसका सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर दोनों किनके शासनकाल के दौरान अपने सिद्धांतों का प्रचार किए, बताइए। तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1888 में भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाले ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे, बताइए। आप सब देखिए बताइए। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन है विलियम जॉन्स, जॉर्ज यूले, एवं चार्ल्स बोर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी कवि कौन थे, बताइए कौन थे। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देखिए, हरिसेन, चंद्रबरदाई, रवि कीर्ति, बाण भट्ट। तो इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई। ठीक है, आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही उत्तर है पहला लॉर्ड, दूसरा है लॉर्ड, सॉरी लॉर्ड दूसरा है कन्नौजी, कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के रूप में जाना जाता है, बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन देखिए, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, जतीन्द्रनाथ सान्याल और जतीन्द्रनाथ दास, बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही उत्तर होगा जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे। पहला नंबर विद्यासागर, दूसरा नंबर देवनाथ टैगोर, तीसरा नंबर केशव चंद्र सेन, चौथा नंबर राजा राम मोहन राय, बताइए कौन सही होगा, बताइए कौन सही होगा। तो इसका सही उत्तर है आत्मी सभा के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, अगला देखिए, फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता था। पहला नंबर वल्लभ भाई पटेल, दूसरा नंबर अब्दुल कलाम आज़ाद, तीसरा नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान, चौथा नंबर विनोबा भावे। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसका। इसका तीसरा वाला सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है,
इन्हें जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। अगला है, पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल पहला ऑप्शन है, दूसरा है देवपाल, तीसरा है गोपाल, चौथा है महिपाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका सही ऑप्शन है गोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, 25 वर्ष तक महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? बताइए। तो ऑप्शन देखिए, पहला है भोला भाई, दूसरा है महादेव देसाई, तीसरा विनोबा भावे और चौथा है वल्लभ भाई पटेल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है महादेव देसाई। अगला प्रश्न, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नंबर एक भगत सिंह, नंबर दो राजगुरु, नंबर तीन सुखदेव, नंबर चार राम प्रसाद बिस्मिल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के साथ पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में कोयना बांध स्थित है? ऑप्शन देखिए, पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है तमिलनाडु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है, हाँ बताइए बताइए, महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा नंबर इसका सही होगा। हाँ आगे देखिए, 15 नंबर है, बलुआ पत्थर की रूपांतरित चट्टान क्या है? नंबर एक संगमरमर, नंबर दो कार्टजाइट, नंबर तीन सैल, नंबर चार सीस्ट। बताइए कौन सही होगा? ऑप्शन बोलिए इसका कौन सही होगा? इसका सही ऑप्शन है क्वार्टजाइट। ठीक है, दूसरा नंबर ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अगला नंबर है, भारतीय राज्य में लोकतक झील स्थित है? नंबर एक मिजोरम में, नंबर दो असम में, नंबर तीन त्रिपुरा में, नंबर चार मणिपुर में। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा मणिपुर। मणिपुर में जो है भारतीय राज्य में लोकतक झील स्थित है। अगला नंबर है 17वां, जो पृथ्वी की सतह मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बाद ठोस बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, ग्रेनाइट, लावा, क्वार्ट्ज, सिलिकेट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है दो नंबर, लावा। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व के सभी शहर महासागरों में गहरा है, मतलब सबसे गहरा महासागर कौन सा? बताइए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। बताइए कौन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, वातावरण के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। बताइए कौन सा सही होगा? तो 18वां नंबर का जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा बताइए? तो बोलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर अर्थात क्षोभ मंडल, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है, सिनेबार अयस्क है, किसका अयस्क है? बताइए, कॉपर का, लोहे का, पारा का, लेड का। बताइए, तो इसका सही ऑप्शन है पारा का, पारा यानी HG। ठीक है, HG यानी इसको हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की? पहला लैंड स्टीनर, लिस्टर,
अगला है विलियम हार्वे और चौथा है पाश्चर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसका सही ऑप्शन है ये वाला, लैंडस्टीनर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आप लोगों के पास प्रस्तुत कर सकूँ और उसको आप देख करके लाभ प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।